छत्तीसगढ़ के नगरी प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया कोरिया पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के हर योजना का लाभ जनता को मिलना चाहिए। कोरिया जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण जिला है। हमारी सरकार आदिवासी जिले के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार युवाओं, महिलाओं, किसान, आदिवासी जनजातियों के लिए काम कर रही है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार में विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा था। मुझे कोरिया जिला के प्रभारी नियुक्त करके यहाँ भेजा है और उनकी मंशा के अनुरूप हम लोग यहाँ पे शासन की जितनी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो और इनका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हो, पूरे क्षेत्र के विकास में सारे अधिकारियों कर्मचारियों का और हमारे जनप्रतिनिधियों के हिसाब से कार्य हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कोरिया जिला हमारा महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ के आदिवासी भाई और यहाँ निवास करने वाले सारे लोगों के भलाई के लिए सरकार काम करना चाहती है, चाहे किसानों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, हमारे अनुसूचित जाति आदिवासी भाई पिछड़े वर्ग के भाइयों के विकास के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और जिस तरह का जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया विधानसभा में, उस अपेक्षाओं पे हम खरे उतरे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये कहा कि गरीबों गाँव के विकास के लिए अच्छा पहल रहेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आया है हमेशा इसी तरह के लोक लुभाव नारे रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। अभी जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ाया गया है उससे पेट्रोल और डीजल की कीमत 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई कम करने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। किसानों के मामलों में कहीं कोई विशेष योजनाएं नहीं दिख रही। हमारे देश में 75% से लेकर 80% किसान होते हैं, तो किसानों के विकास के लिए इस तरह की कोई योजनाएं नहीं दिख रही है। ये बजट जो है केंद्र का पूरी तरह से निराशाजनक है और भरमाने वाला जो काम होता है उस तरह का काम केंद्र सरकार द्वारा की जाए।